हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आज आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको आपके लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, कहाँ से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है या कहाँ पर जाकर कंपनीज या बिजनेस जो हमारे चलते हैं पैसा कहाँ से हम कंपनी में ला सकते हैं, तो वो सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आज मीनिंग फंक्शंस की कि फाइनेंशियल मार्केट्स के मीनिंग क्या रहते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। इसमें आपका स्कोप और नेचर भी क्लियर हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा सा टॉपिक आज आपका क्लियर होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, तो क्लास को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट, जैसे कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक होती है सेवर्स और इन्वेस्टर्स यानी बोरोअर्स के बीच में, जो अपने पैसे को सेव कर मार्केट को बोरो कर रहे हैं, ये उनके बीच का क्या होता है, एक लिंक होता है। ओके, तो अब सपोज कीजिए एक पर्सन है, अब आप घर की ही बात ले लीजिए, आप अपने घर में कितना सारा पैसा जोड़ते हैं, जो पैसा आप जोड़ते हैं उस पैसे को आप चाहते हैं कि आप बाहर इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको उसका कुछ रिटर्न मिले, राइट। आप अपना इंटरेस्ट चाहते हैं उससे, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको मीनिंग में बताया कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो एक लिंक होता है सेवर्स और बोरोअर्स के बीच में, एक पर्सन हुआ सेव करने वाला और एक हुआ बोरो करने वाला, यानी जो मार्केट से उधार लेगा और एक जो मार्केट में उधार पैसा देगा। ओके, तो आज इसके बारे में बात की है। देन अगर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का हमारा स्कोप क्या रहता है, तो उसके स्कोप से हम समझते हैं कि इसमें दो फैक्टर्स मेन होते हैं, एक तो बैंक आ जाता है और दूसरा आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स। क्या होता है, बैंक्स आपने देखा होगा, नॉर्मली आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक से आप पैसा ले सकते हैं। तो क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर्स रहते हैं वो अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं, अपने सरप्लस को बैंक्स में जमा करते हैं। ये चाहते हैं कि जब हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो उससे बैंक पे कुछ इंटरेस्ट देता है उनको, हाउस होल्ड सेक्टर्स बैंक को देंगे। अब बैंक क्या करेगा, उसी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट करेगा। अब एक और बात आती है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनका जो पैसा है वो उनके लिए सरप्लस है, यानी एडिशनल पैसा है उनके पास, ओके। लेकिन जो बिजनेस यूनिट है उनका डिफिसिट आ रहा है, उनके पास कमी है ना पैसे की, उनको जरूरत है, बिजनेस यूनिट को जब पैसे की जरूरत होगी तभी वो मार्केट से पैसा उधार लेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स बैंक को देंगे, बैंक वही पैसा किसको देगा, बिजनेस फर्म्स को देगा, बिजनेस फर्म से इंटरेस्ट बैंक के पास जाएगा और बैंक से इंटरेस्ट जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर्स के पास, ओके। ये पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, जहाँ से आप शेयर्स, डिबेंचर्स या सपोज कि जो बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो परचेज वाली अगर बात आती है, तो हाउस होल्ड सेक्टर्स कहाँ से परचेज करेंगे जाकर, कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या तो बैंक्स में करेंगे या तो फिर वो फाइनेंशियल मार्केट्स में करेंगे। अब जब वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को कहाँ भेजती है, डायरेक्टली बिजनेस फॉर्म में। बिजनेस फॉर्म से जो प्रॉफिट उनको मिलता है, जो इंटरेस्ट, जो डिविडेंड उनको मिल रहा है, वो डिविडेंड, वही इंटरेस्ट कुछ कम कहाँ मिल जाता है, वापस हाउस होल्ड सेक्टर को। तो आज हमने मार्केट सेगमेंट के बारे में बात की कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनका क्या स्कोप, क्या नेचर रहता है, किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं। दो मेन फैक्टर्स आपको बताए हैं, एक बैंक को बताया गया है और एक आया है फाइनेंशियल मार्केट। सरप्लस कौन है, सरप्लस में आ रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर्स, जिनके पास एडिशनल पैसा है, जो अपना पैसा आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट बिजनेस यूनिट जो है वो हमारा डेफिशिएंसी यूनिट है, जिनके पास पैसे की कमी है, जिनको पैसे की जरूरत है, ओके। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या रहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, क्या क्या काम होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को पूरे करने होते हैं, ओके। तो सबसे पहला काम जो फाइनेंशियल मार्केट का रहता है वो रहता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, यानी जो भी लोगों का पैसा है, जो उन्होंने सेव किया हुआ है, उसको वो मोबिलाइज करें, यूटिलाइज करें, उस पैसे को कहाँ सही तरीके से लगाया जाए, कैसे उससे प्रोडक्शन लिया जाए, यानी फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो ऐसे वर्क करती हैं कि जो सेवर्स हैं और जो बोरोअर्स हैं उनके बीच में एक लिंक बन जाता है। देन फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग ऑफ सेवर्स टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, मोबिलाइज हो जाती हैं उनकी सारी सेविंग्स, जितना भी उनके पास पैसा है वो उस जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से उनको कुछ रिटर्न में मिल सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस तभी ओपन होगा जब उस सिक्योरिटी की डिमांड हमें पता चलेगी। कोई भी एक प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए किसी को एक प्रोडक्ट कुछ भी लेना है, बिस्किट ले लीजिए या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस तब सेट होता है जब हमें उसकी डिमांड के बारे में पता चलता है।
मार्केट में जब प्रोडक्ट की डिमांड आएगी उसके बाद उसका प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा सेट आउट होगा। तो ऐसे ही हमारी जो ये रहती हैं सिक्योरिटीज रहती हैं, इनका प्राइस भी तब डिस्कवर किया जाता है जब इनके डिमांड के बारे में प्रॉपरली पता चल जाए। एक बार फिर इसको कर पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड द सप्लाई फैक्टर्स। हर चीज़ का प्राइस उसके डिमांड और उसके सप्लाई फैक्टर्स पर सीधा सीधा क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फैसिलिटेट करते हैं ये हमारे प्राइस को डिस्कवर कर देते हैं। देन प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी हम उनको किसी भी वक्त कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इनका जो फंक्शन रहता है वो ये रहता है कि हमने कोई भी अगर कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है या कोई भी सिक्योरिटी हमने परचेज किया तो उस सिक्योरिटी लिक्विडेट तो होगी ना, उसका पैसा हमें कुछ टाइम के बाद वापस मिल जाएगा। तो उसका पैसा कन्वर्ट करने वाला जो फंक्शन रहता है वो हमें कहता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। देन अगर बात करते हैं तो आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ये ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग है, अब जब इनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती है, सब कस्टमर्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके बाद अगर वो कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि बैंक्स हैं या कोई भी अदर अगर कंपनी मान ली जाए तो इन्फॉर्मेशन तो सब दी जा रही है ना। फाइनेंशियल मार्केट सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखती है, राइट। वो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को देती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ ट्रांजेक्शन हम एडिशनल कर रहे हैं तो वो फिर हमारी बेवकूफ़ी है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उससे वो रिड्यूस कर देती है कॉस्ट को। ट्रांजेक्शन में जो भी कॉस्ट आ रही है वो उससे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो आज हमने बात की है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। देन उसके बाद हमने पढ़ा है फाइनेंशियल मार्केट का स्कोप क्या रहता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मार्केट बैंक और फाइनेंशियल मार्केट जो है हमारी हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म फाइनेंशियल मार्केट को, फिर बैंक्स को, देन बैंक से डिफिसिट होकर या बिजनेस यूनिट्स में पैसा वापस आ जाता है। तो ये एक पूरा सर्कल बन रहा है यहाँ पर, हमारा ये फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ से पैसा जिसके पास पहुँच रहा है। ओके, तो ये वापस इधर से उधर, उधर से इधर, तो ये वाला जो सिस्टम रहता है ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट के अंडर में आता है। देन हमने आपको फंक्शंस के बारे में बताया है कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से काम करती है। सबसे पहला फंक्शन हमने बताया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। हम अपनी सेविंग्स को क्या कर लेते हैं, मोबिलाइज कर लेते हैं, ऐसी जगह लगा लेते हैं जहाँ उसकी नीड होती है। ओके, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि उसका पैसा कहीं किसी भी ऐसी सिक्योरिटी में ना चला जाए जो वापस ही ना आ पाए, राइट। तो ऐसी जगह हम अपना पैसा सेव करते हैं जहाँ से हमें आने की उम्मीद हो कि हमें रिटर्न में भी कुछ मिलेगा। तो जो बिजनेस यूनिट्स होती हैं उनका क्या रहता है काम, कि वो सारी सेविंग्स को हमारी क्या कर देते हैं, मोबिलाइज कर देते हैं। ओके, देन चैलेंजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, जिस तरीके से उनका प्रोडक्शन किया जा सके। हम अपने पैसे को कहीं किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, अब वो बिजनेस क्या करेगा, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करने के बाद जो उनको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट किसको दिया जाएगा, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो वही वाली बात यहाँ आ जाती है कि उसको सही तरीके से चैनलाइज किया जाए। देन प्राइस डिस्कवर करना, इनकी ड्यूटी रहती है कि जो भी प्राइस है आप सामने मार्केट में ये प्राइस अपना रख दें ताकि लोग आकर सिक्योरिटीज को परचेज कर सकें, आगे उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। लिक्विडिटी प्रोवाइड करना कि टाइम पर लोग जब उनको ज़रूरत हो वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको कैश में कन्वर्ट करवा सकें। देन कॉस्ट जो होती है, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो रहती है, उसको क्या करना होता है, ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये होता है फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल रहती है सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है, फिर भी अगर हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं हम पढ़ पा रहे हैं तो हमारे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जो खर्चे होते हैं वो इससे रिलेटेड नहीं होते। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। लेकिन कल हम बात करने वाले हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे फाइनेंशियल मार्केट कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, इसके बारे में कल बात करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ और एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।